मध्य प्रदेश विधानसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में विधायकों का प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रम हुआ। ई विधानसभा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी मांग उठाई थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का विधानसभा में अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वागत किया। सभी विधायकों के साथ पहले फोटो सेशन हुआ, उसके बाद प्रबोधन कार्यक्रम हुआ। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम सबके लिए प्रसन्नता का क्षण है। शुरुआत में चार दिन का सत्र था, उस समय जब हम बैठे तो हमें लगा कि जल्द ही प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इसके लिए जरूरी था कि लोकसभा सचिवालय का सहयोग हमको मिले। हम सब निर्वाचित होकर विधानसभा में आए हैं, एक जनप्रतिनिधि बनना जरूरी है, अच्छा विधायक बनना भी जरूरी है। क्षेत्र की जनता की समस्या आपको सुलझानी होती है, अपने कर्तृत्व को शासित करने और नियमों में बांधने की जरूरत है। मित्रों, हम सब निर्वाचित होकर विधानसभा में आए हैं। स्वाभाविक रूप से हम जनप्रतिनिधि हैं, तो एक अच्छा जनप्रतिनिधि बनना यह भी हम सबके लिए जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा विधायक भी बनना हम सबके लिए जरूरी है। और क्षेत्र की जो अपेक्षा है वो विधायक से पूरी कैसे हो, इसके लिए एक कार्यकर्ता के रूप में तो आप निर्माण हुए हैं, जनता ने आपका वरण कर ही लिया है। अब जरूरत है अपने कर्तृत्व को पैना करने की, अपने कर्तृत्व को अनुशासित करने की, अपने कर्तृत्व को नियम में बांधने की, अपने कर्तृत्व को के माध्यम से नियम को समझने की। क्योंकि ये सब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कर्तृत्व हमारे व्यक्तित्व को निखारेगा, और जब हमारा व्यक्तित्व निखरेगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र में भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और मध्य प्रदेश की विधानसभा जैसे गरिमामान जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के कृतित्व से सदन की भी महिमा पूरे देश में बढ़ेगी, यह भी निश्चित रूप से अपेक्षा आम लोगों को हम लोगों से रहती है। और इसलिए प्रशिक्षण का हमारे जीवन में निश्चित रूप से बहुत महत्व है। आज का और कल का ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, यह निश्चित रूप से हमको विधानसभा की नियमावली, विधानसभा की परंपराएं, विधानसभा की प्रचलित व्यवस्थाएं उनके नजदीक ले जाने का प्रयत्न करेगा, और इसको आपको पूरे कार्यकाल में काफी निश्चित रूप से लाभ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का अवमूल्यन हुआ है। पहले विधानसभा का एक डर था, पहले विधायकों के प्रश्न से अधिकारी डरते थे, आजकल विधायकों को मिलने वाले प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं होता है। विधायक नए साथी कुछ सीखेंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैं कभी जो बात करता हूँ कभी स्पष्ट विपक्ष के साथ से नहीं करता, ये मेरी सोच है। इसी तौर से पिछले कई सालों में बैठकों का दौर कम हुआ है। हमारे साथी विधायक दोनों पक्ष के अपनी बातें नहीं उठा पाए, विधानसभा के प्रश्नों के जवाब उनको नहीं मिल पाए, इसकी कसावट जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा का मूल्यन हुआ है। ये समय था, हमारी वाजीबी थी गंगा देवी जी, कई वरिष्ठ उनके साथ के लोग बैठे हैं, विधानसभा का डर था, ये प्रश्न आया जवाब अधिकारी की मजबूरी होती थी, सही वो सरकार का भी था कि विधायकों के पक्ष में न्याय कराए। सच्चाई है सरकारें कोई सी भी रहे, लेकिन हमें सामूहिक रूप से इन
जन प्रतिनिधियों का विधायकों का साथ देना चाहिए, ऐसा अध्यक्ष जी मेरी आपसे भावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में विधायकों का प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रम हुआ। ई विधानसभा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी मांग उठाई थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मंजूरी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।